मेंबर वी और ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी को लेकर काफी बातें तो हर समय चलती ही रहती हैं। कई सारे लोग ये मानते हैं कि शायद कभी ना कभी बीटीएस और ब्लैकपिंक का कोलैब भी हमें देखने मिलेगा, लेकिन अब आर्मीज को लगने लगा है कि ये र्यूमर जो कि अभी तक लोगों के सपने में सच होती थी शायद अब सच में होने ही वाली है, क्योंकि रिसेंटली हाइप लेबल्स के साथ मिलकर यानी बीटीएस की कंपनी के साथ मिलकर जेनी ने अपना न्यू कोलैबोरेशन सॉन्ग लॉन्च किया है और इसके बाद फर्दर कोलैबोरेशन की भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस आर्मीज को नजर आ रही हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों में जेनी और बीटीएस के मेंबर्स के कोलैबोरेशन भी शायद हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप में से कई सारी आर्मीज ने शायद इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में नोटिस नहीं किया होगा कि रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले जेनी का एक न्यू सॉन्ग आया है जहां पर उन्होंने जिको नाम के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। दोस्तों अगर आप जिको को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिको एक केपॉप आइडल हैं जो कि हाइप की कंपनी के साथ ही काम करते हैं। वैसे तो उनकी एंटरटेनमेंट KOZ एंटरटेनमेंट है, लेकिन हाइप भी इसको क्रिएटिव सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से जिको और ब्लैकपिंक जेनी का जो न्यू सॉन्ग आया है स्पॉट, उसको हाइप लेबल्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर ही लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके बाद कई सारी आर्मीज को लगता है कि जेनी जल्दी ही हाइप लेबल्स के साथ आगे और भी कोलैबोरेशन करेंगी। कुछ दिनों पहले ये भी रिवील किया गया था कि जेनी की कंपनी जो कि उन्होंने खुद खोली है कुछ ही वक्त पहले, उस कंपनी ने हाइप लेबल के आर्टिस्ट यानी TXT के मेंबर योनजुन और उनके दूसरे मेंबर सोबिन को भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। और ऐसा आर्मीज और TXT के फैंस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंट है जेनी और योनजुन सोबिन के आने वाले कोलैबोरेशन के लिए। साथ ही साथ हम इस बात को तो नहीं भूल सकते कि जेनी ऑलरेडी एक शो पर योनजुन के साथ शूटिंग कर चुकी हैं और दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा था, तो मे बी वहीं पर जेनी ने डिसाइड किया हो कि वो अपने न्यू लेबल के साथ योनजुन और सोबिन को कोलैबोरेट करवाएंगी। हालांकि इन स्पेकुलेशंस के बाद कई सारे आर्मीज का मानना है कि कल को चल के शायद जेनी बीटीएस के मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करती भी नजर आएंगी, क्योंकि TXT हाइप के वन ऑफ द बिगेस्ट आइडल्स में से एक है बीटीएस के बाद। और अगर जेनी सक्सेसफुली TXT के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं तो शायद बीटीएस के वापस आने के बाद जेनी बीटीएस के मेंबर्स के साथ भी कोलैबोरेट करेंगी। और इसीलिए कई सारे आर्मीज और TXT के फैंस का मानना है कि जिको के साथ कोलैबोरेट करके जेनी ने इनडायरेक्टली ये कंफर्म किया है कि वो आने वाले टाइम पे हाइप के और आर्टिस्ट जैसे कि TXT या फिर BTS या फिर न्यू जीन्स सभी के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो आप सभी मुझे बताओ कि आप BTS और जेनी का कोलैबोरेशन देखना चाहोगे या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।